नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ उम्मीद सोएबा। जनशक्ति को मुख्य रूप देने के लिए चुनावी सिलसिला चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। पद और कुर्सियां वही रहेगी मगर चेहरा बदलता रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अब पार्टियों में सीट का बंटवारा भी हो चुका है और पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर चुकी है। ऐसे में आम जनता को अपनी मुख्य भूमिका निभानी बाकी रह गई है। पिछले कई दशकों से बिहार में चुनावी सिलसिला जारी रहा है जिसमें एक से बढ़कर एक राजनीतिक चेहरे देखने को मिले। पार्टियां अपने अपने एजेंडे को जनता के समक्ष रखती रहीं और जनता उन्हें मौका देती रही। इतने वर्षों के अंतराल में काफी कुछ बदलाव हुआ मगर सवाल ये है कि विकास की ओर हमारे प्रदेश, हमारे क्षेत्र, हमारे शहर में कितना बदलाव आया है। तो जवाब केवल एक पंक्ति में होगी कि विकास के आईने में हमारे क्षेत्र की तस्वीर अब भी धुंधली है। अगर हम भागलपुर जिले की बात करें तो यहाँ कुल 7 विधानसभा सीट मौजूद है जिसके अंतर्गत नाथनगर, भागलपुर शहर, सुल्तानगंज, कहलगांव, पीरपैंती, गोपालपुर और बीहपुर आता है। भागलपुर विधानसभा के सभी क्षेत्र शहरी हैं जिसमें कांग्रेस नेता अजीत शर्मा को जनता ने 2 बार विधायक के रूप में चुना है और इससे पूर्व भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे ने 19 साल भागलपुर विधानसभा की कमान संभाली है। लेकिन जनप्रतिनिधि की परिभाषा पर पूर्ण विराम तब लगता है जब यहाँ की समस्याएं उभरती नजर आती हैं। पिछले कई दशकों से चुनावी मुद्दे वही रहे जिसके वादे करते करते प्रत्याशियों ने कुर्सी संभाली है। आज भी भोलानाथ पुल, हवाई अड्डा, NH-80 की सड़कें सरकार के भरोसे टिकी हुई है। सड़कों का निर्माण कुछ इस तरह हुआ है कि उन्हें गड्ढों में तब्दील होते समय नहीं लगा और जब मौसम बरसात का हो तो क्या कहना। इधर पेयजल की समस्याएं भी लोगों के लिए थमी नहीं है जिसमें कई जगह पर मीनारें बन चुकी हैं तो कई जगह अधूरी पड़ी हैं। मगर अब तक पाइपलाइन के जरिए गली मोहल्लों तक पानी पहुंचाई नहीं गई है। कबीरपुर जैन मंदिर मुख्य मार्ग पर सड़कों की स्थिति बदतर है मगर पिछले 5 सालों में केवल इसका शिलान्यास ही किया गया। तो जनप्रतिनिधि के कामकाज और यहाँ की समस्याओं को देखते हुए भागलपुर को मिला स्मार्ट सिटी का दर्जा मानो झूठा सा लगता है। जैसा कि हमें मालूम है कि भागलपुर विधानसभा के लिए पार्टियों ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है जहाँ भाजपा की ओर से रोहित पांडे मैदान में उतारे गए हैं। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा एक बार फिर विधायक बनने के लिए खड़े हैं और एक रोमांचक कड़ी यह रही कि लोजपा ने भागलपुर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा को भागलपुर विधानसभा की चुनावी लड़ाई में उतारा है। अब पूरा दारोमदार जनता पर है कि वह किसको भागलपुर विधानसभा की बागडोर संभालने देती है, किस प्रत्याशी को जनता इस योग्य समझती है कि वह भागलपुर की समस्याओं को समझे और उसका निदान करे। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।